तुम मुझे टैलेंट दो, मैं तुम्हें मंच दूंगा। लल्लन टॉप अड्डे का मंच, मंच जिस पर खड़े होकर तुम गाना गा सकते हो, स्टैंड अप कॉमेडी कर सकते हो, मिमिक्री कर सकते हो, कोई मजेदार किस्सा सुना सकते हो, कविता सुना सकते हो। लल्लन टॉप अड्डा, जहां तुम पेंटिंग कर सकते हो, स्केच बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो जो तुम्हारी कलाकारी को आसमान पर पहुंचा दे। साथ में जीत सकते हो मौके पर लाखों के इनाम। तो फिर आइए लल्लन टॉप अड्डे पर, दिखाइए अपने हुनर का कमाल। लल्लन टॉप अड्डा 1, 2 और 3 नवंबर को इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, नई दिल्ली में। नमस्ते, मेरा नाम डेविड है और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बात हो रही है। एक सीट है जिसका नाम है कल्याण ग्रामीण। यहां से कौन जीता? प्रमोद रतन पाटिल, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के। हारा कौन? शिवसेना के रमेश सुक्रिया। जीत का मार्जिन रहा 7154 वोट। इस सीट के 2014 के चुनाव नतीजे की बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में शिवसेना के सुभाष गंडू भोईर ने ये सीट निकाली थी। एमएनएस के मुखिया है राज ठाकरे। 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एमएनएस ने 110 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए। जीत मिली बस एक सीट पर और वो सीट है कल्याण ग्रामीण। राज ठाकरे साल 2006 में शिवसेना से अलग हुए। इसी साल उन्होंने अपनी पार्टी एमएनएस बनाई। 2009 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 13 सीटें जीती थी। ये उसकी अब तक की सबसे बेहतर परफॉर्मेंस थी। इसके बाद हुए 2014 के लोकसभा चुनाव में एमएनएस 10 सीटों पर लड़ी, जीती एक भी नहीं। फिर 2014 के असेंबली इलेक्शन में एमएनएस कुल 218 सीटों पर लड़ी, जीती सिर्फ एक। इस चुनाव में भी वो बस इतना ही हासिल कर सकी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया था। हाँ, राज ठाकरे जरूर जगह जगह घूमकर बीजेपी के विरोध में प्रचार कर रहे थे। लोगों को याद दिला रहे थे कि 2014 के आम चुनाव में नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने क्या क्या वादे किए थे और कौन कौन से वादे पूरे नहीं किए। बाद में उन्होंने बीजेपी को मिली जीत का दोष ईवीएम को दिया था। राज ठाकरे पहले की तरह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करते रहे हैं। उनका एक विचार ये भी था कि विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया जाए तब तक जब तक कि चुनाव आयोग बैलेट पेपर से वोटिंग कराने को तैयार नहीं होता। उन्होंने इसके लिए बाकी पार्टियों को भी राजी करने की कोशिश की मगर कामयाब नहीं हो सके। बाद में एमएनएस ईवीएम व्यवस्था से ही चुनाव लड़ने के लिए राजी हो गई। एक समय था जब राज ठाकरे अपने अंकल बाल ठाकरे के राजनीतिक वारिस माने जाते थे। लोगों को इन दोनों के व्यक्तित्व में कई समानताएं दिखती थी, जैसे दोनों की आक्रामक शैली, जोरदार भाषण, कार्टून बनाना। फिर शिवसेना के नेतृत्व को लेकर उनके अपने भाई उद्धव से अनबन हुई, कड़वाहट आई। साफ कर दिया गया कि बाल ठाकरे की जगह राज ठाकरे नहीं ले सकेंगे। तब बड़ी कड़वाहट में वो पार्टी से अलग हुए। हालांकि जानकार बताते हैं कि बाल ठाकरे नहीं चाहते थे कि ये बंटवारा हो। इसके लिए अक्टूबर 2012 में दशहरा रैली के समय शिवसेना कैडर के लिए चलाया गया बाल ठाकरे के उस वीडियो की बात होती है जिसमें उन्होंने कहा था, शिवसेना दो टुकड़ों में बट गई, क्यों हुआ ऐसा, कैसे हुआ ये, हर किसी को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। 2009 के विधानसभा चुनाव में मिली 13 सीटों की कामयाबी के बाद ऐसा लगा कि एमएनएस महाराष्ट्र की राजनीति में एक मजबूत हिस्सा बनाएगी। उस चुनाव में शिवसेना को बड़ा नुकसान भी हुआ था। वो राज्य में चौथे नंबर की पार्टी बन गई थी कांग्रेस, एनसीपी और बीजेपी के बाद। फिर 2012 में हुए नासिक के मेयर चुनाव में बीजेपी ने एमएनएस के उम्मीदवार को समर्थन देकर जितवाया, तो ऐसा लगा कि शायद महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी नया पार्टनर खोज रही है। मगर फिर एमएनएस ऊपर जाने की वजह नीचे सरकती गई और अब अपने बनने के 13वें साल में खबर ये लिखी जा रही है कि एमएनएस ने सिर्फ एक सीट जीती है। ये तो रही चुनाव की बात। अब बात लल्लन टॉप अड्डे की। 1, 2 और 3 नवंबर को दिल्ली के IGNCA यानी इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स में लल्लन टॉप अड्डा लग रहा है। यहाँ आपको लेखकों, पत्रकारों, फिल्मी सितारों से मिलने का मौका मिलेगा, साथ ही अपना हुनर दिखाने का भी मौका मिलेगा। तो रजिस्टर करिए, रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है वो आपके सामने है डिस्क्रिप्शन में। तो आइए मिलते हैं। अगर इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए, और अब तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए। थैंक यू। कहानी किसी ने कही, बहुतों ने सुनी। क्या आपके पास कोई कहानी है, कहानी जो आपको लगता है कि पूरे मुल्क को सुननी चाहिए? ये कहानी आपको लखपति बना सकती है। लल्लन टॉप अड्डे पर आइए, मौके पर कहानी लिखिए और लाखों के इनाम जीतिए।
लल्लन टॉप अड्डा 1, 2 और 3 नवंबर को इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स नई दिल्ली में।